नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। ये साइकस पाम है। साइकस पाम की जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, जिसकी वजह से इसकी कम देखभाल करनी होती है। इसे मोस्टली लैंडस्केप गार्डन में यूज किया जाता है और इसे हम इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट को सैगो पाम भी कहा जाता है। और इसके जो लीव्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये, तो इन लीव्स की वजह से इनको कंगी पाम बोलते हैं, बिकॉज जो इसके लीव्स हैं इनके ये कंगी के जैसे हैं, तो इसको कंगी पाम भी बोलते हैं। अगर आप इसके लीव्स को हाथ में लेकर ऐसे टच करके देखेंगे तो जो लीव्स है ये बिल्कुल प्लास्टिक जैसे लगेंगे। लगेगा नहीं कि ये रियल है, ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक के लीव्स हैं। बिगिनर के लिए ये प्लांट बेस्ट है, बिगिनर इसे इजीली ग्रो कर सकता है। ओके, अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम इसकी केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट एंड लोकेशन की। अगर हम इसे इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहां इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। अगर हम इसको विंडो के पास ग्रो करते हैं तो विंडो अगर आपकी ग्लास की है तो इसको 5 से 7 फुट दूरी पर रखें, वरना क्या होगा, जैसे कि ये लीव्स इसके जो बर्न हो रहे हैं इस तरह से जो लीफ है इसके बर्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसी जगह रखें जहां पे इसको फुल लाइट मिले। और अगर इसे आउटडोर ग्रो करें तो इसको हल्की छाया वाली जगह पे रखें जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। डायरेक्ट सनलाइट से क्या है, इसके जो फॉलेज हैं वो बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इसको ऐसी जगह रखें जहां पे हल्की छाया भी रहती हो और जो सनलाइट है वो भी आती हो। साइकस को ज्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है, तो इसको हम वाटरिंग तभी करें जब इसका जो टॉप सोइल है वो 2 से 3 इंच तक ड्राई हो जाए, तब इसे वाटरिंग करें। और वाटरिंग तब तक करें जब इसका जो वाटर है वो पॉट के ड्रेनिंग होल से नीचे आ जाए, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ड्रेनिंग होल से ड्रेन होने दें। सर्दियों में वाटरिंग कम करें, सर्दियों में लगभग जब इसका सोइल है वो पूरा ड्राई हो जाए तभी उसके अंदर वाटरिंग करें। साइकस को मंथ में एक बार NPK 18:6:18 से फर्टिलाइज कर सकते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज यूज कर सकते हैं। अगर आप घर पे बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो नीम खली है उससे बना सकते हैं, और जो सरसों है सरसों से बना सकते हैं, और कंपोस्ट टी भी यूज कर सकते हैं। कंपोस्ट टी और सरसों वाली जो फर्टिलाइजर है वो मैंने वीडियो बना के दिखाई थी, वो आप देख सकते हैं, मैं वीडियो के लास्ट के लिंक में ऐड कर दूंगा। वो सैगो पाम को सैंडी सोइल पसंद है, तो इसके लिए हम सैंडी सोइल यूज करेंगे जो कि काफ़ी ड्रेनिंग सोइल होता है। तो इसके लिए हम जो सैंड है उसके अंदर कोई कंपोस्ट ऐड करके वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आज वो यूज़ करूँगा इसके अंदर। ओके दोस्तों, तो अब हम इसके पॉट में शिफ्ट कर देते हैं इसको। तो मैं आज इसको एक प्लास्टिक की जो नर्सरी पॉट है उसके अंदर लगाऊंगा, ये पॉट हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इसके नीचे जो कोको कोर है वो यूज़ करेंगे ताकि जो मिट्टी है वो ना कटे। कोको कोर यूज़ करने के बाद हम जो पॉलीथीन बैग है प्लांट का वो निकाल लेंगे। जो रूट्स है वो इसकी इस पॉलीथीन बैग के अंदर चिपक गई है, तो इसको हम रिमूव करना होगा। तो ये केयरफुली करें बिकॉज इसका रूट वाल ना डैमेज हो जाए पूरा। तो इसको हम केयरफुली रिमूव करेंगे। ये देखिए जो रूट वाल है वो बाहर आ गई है इस साइड, तो हम इस साइड से इसको कट कर देंगे ताकि दूसरी साइड ये इजीली निकल जाए। एक चीज का और ध्यान रखिए, जो इसके देखिए इस साइड जो लीफ का ये जो ये है इसके इस साइड जो कांटे लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये दिख रहे होंगे आपको, ये कांटे आपके हाथ में लग सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, या तो आप इसको केयरफुली कीजिए या जो ग्लव्स आता है वो ग्लव्स यूज कीजिए, वरना जो कांटे हैं वो आपके हाथ में लग सकते हैं। नर्सरी वालों ने क्या कर रखा है, जो इसका ये हिस्सा है यानी इसका ये जो ट्रंक है इसको उन्होंने दबा रखा था, उसकी वजह से कहीं यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो इसको हम क्लीन करके और इसको ओपन करेंगे ताकि यहाँ से जो ग्रोथ है इसकी वो स्टार्ट हो पाए। और ये इसका रूट बॉल है, इसको हम ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे, हम पॉट के अंदर इसको ऐसे रख देंगे बिकॉज जो रूट्स है वो इस साइड आपको निकल दिख रही होगी। तो जैसे हम इसको पॉट में शिफ्ट करेंगे जो रूट्स है वो अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर देगी अपनी। तो अब हम पॉट को तैयार करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप पॉट में शिफ्ट करते हैं तो इसका जो ये है ट्रंक यानी कि जो लीव्स है ये तो बाहर होनी चाहिए, उसके साथ में जो ये ट्रंक है थोड़ा सा ये बाहर जरूर हो बिकॉज यहीं से ग्रोथ स्टार्ट होगी।
नर्सरी वाले ने क्या ये सारा हिस्सा दबा रखा था, सिर्फ ये लीव्स ऊपर थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था जो ग्रोथ है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी इसकी। तो हम इसको अब ऊपर ओपन में छोड़ देंगे। ओके, अब हम पॉट लेते हैं, पॉट के अंदर सोइल डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया मैं जो सैंडी सोइल है वो यूज़ करूँगा, तो ये कुछ बजरी है और बजरी के अंदर मैंने थोड़ा सा जो कंपोस्ट है वो मिला रखा है, गोबर खाद वो मिला रखे हैं। तो अब मैं ये सोइल ऐड करूँगा इसके अंदर। बिकॉज इसकी रूट बॉल छोटी है तो हमें क्या करना होगा, जो सोइल है वो पहले ज़्यादा इसके अंदर डालना होगा, वरना अगर हम कम डालेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर हमने इसके अंदर कम सोइल डाला और फिर हम इस ट्री को लगाएंगे तो क्या होगा, जो ट्री का जो ये हिस्सा है ये नीचे पॉट में दब जाएगा। तो पहले हम पॉट को इतना फिल कर लें कि जो ट्रंक इसका जो ट्रंक है जहाँ पे इसके न्यू बर्ड स्टार्ट होगा, जहाँ से ये ग्रोथ करेगा, वो हिस्सा इसका बाहर हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है नीचे, हल्का सा हाथ से, और फिर उसके बाद हम प्लांट रख के देखेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है। अब हम प्लांट को रख के देखते हैं, आई थिंक ये ठीक रहेगा, बिकॉज इसका जो ये हिस्सा है ये इतना ऊपर आ चुका है और हम जो सोइल है वो इतना रखेंगे तो ये अब इसका साइज ठीक है। अब हम इसमें सोइल ऐड कर देंगे और बाकी का जो सोइल है वो ऐड कर देंगे। ये ध्यान रहे कि हमें इसकी रूट बॉल को नहीं डैमेज करना है, सिर्फ इसके साइडों में ही सोइल डालना है। अगर हम इसके बिल्कुल पास में करेंगे तो जो रूट बॉल थी इसकी वो डैमेज हो सकती है स्टिक से, तो रूट बॉल के साइडों में जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, हमें सिर्फ वो भरना है सोइल से, ताकि जो ट्री है वो अच्छे से मजबूती से पकड़ बना ले सोइल के अंदर। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा फिंगर से फिल कर देंगे। ज़्यादातर ट्री के मरने का कारण यही होता है कि उनमें ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो प्लांटों में ओवर वाटरिंग ना करें। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ओवर वाटरिंग का जो इफेक्ट है बहुत जल्दी पड़ता है, जैसे कि अडेनियम जेड का प्लांट, और अडेनियम में अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो उससे क्या होगा, बहुत जल्दी वो खराब हो जाएंगे। अडेनियम में अगर ओवर वाटरिंग कर दी तो क्या होगा, जो उसका स्टेम है, जो उसका ट्रंक है, वो नरम हो जाएगा बिल्कुल। इसके अगर आपको ड्राई लीव्स दिखे तो उनको आप रिमूव कर दें, जितने भी ड्राई लीव्स हों उनको रिमूव करते जाएं, ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ऊपर की साइड ग्रो करें। ये ट्री जो है ये अपने खजूर का जो ट्री होता है उस हिसाब से बढ़ता है, उसके जैसे ही इसमें ग्रोथ होती है, काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है इसकी। तो हमने इसको प्लांट कर दिया है, अब मैं इसको फुल शेड के अंदर रखूँगा, अब मैं इसको फुल लाइट के अंदर रखूँगा। यहाँ पे कल रात से बारिश हो रही है और उसकी वजह से मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ, ना यहाँ पे पावर है तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो है वो लेट डाला है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।